सभी भाइयों को, मैं आपका भाई दीक्षांत और आप देख रहे हो DST पेट ब्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स दोनों हेल्दी होंगे, फिट होंगे। और दोस्तों अभी रिंगनेक्स वगैरह दिखाता हूँ और बजी तो गाइज यार ये रिंगनेक देखो दोस्तों, आज सुबह की जब रिंगनेक को मैं ऊपर बिठा के ले गया था ना, कंधे पे बिठा के छत पे ले गया था, तब बहुत सारे रिंगनेक आए थे। आगे मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। और यहाँ पर अपने बजीज तो गाइस यार ये देखो रिंगनेक आए हुए हैं कितने सारे, गौर से देखो दोस्तों। नीचे वहाँ से 11 पैरट्स बैठे हुए हैं और तार पे देखो आप 11-12 रिंगनेक हैं यहाँ पर। दोस्तों डेली आते हैं ये उनकी वॉइस सुन के। तो गाइस यार ये अपने रिंगनेक और यहाँ पर बजीज और दोस्तों यहाँ पर है चिड़िया का घोंसला, इसमें से बच्चों की आवाज़ आ रही है मुझे। तो गाइज अभी घोंसले को चेक करते हैं। हाँ दोस्तों इसमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं मेरे को, आपको भी दिखाता हूँ मैं। वो देखो दोस्तों अंदर मेरे को तो दिख रहे हैं, वाह। और गाइज यार आज सेटअप की भी सफाई की है, देख सकते हो आप। और दोस्तों आज एक बैड न्यूज़ भी है यार, जो अपन 20 महीने नए कबूतर लेके आए थे ना, उनमें से एक फीमेल भाग गई है। मैं साथ में फ़ोटो एड कर दूँगा, तो वो फीमेल भाग गई है, आज भाग गई वो, सीधी निकल गई, मतलब वापस घूमी भी नहीं। 2-3 दिन तो उड़ रही थी, वो आ भी रही थी। और दोस्तों अपनी कबूतरी तो भाग गई। और एक बात बताऊं, आप देख सकते हो आज बारिश हुई है, अपने यहाँ पर बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। और दोस्तों 3 कबूतर बाहर रह गए थे, तो वो बारिश में ना भी लिए हैं, तो मेरे को डर है कि वो बीमार ना हो जाए। 2 तो ये है दोस्तों और एक उधर वाइट वाला मेल है। और ये देखो दोस्तों कबूतर कैसे सुस्त बैठे हैं, वहाँ पे देख सकते हो उस बच्चे को। मौसम बदल रहा है दोस्तों, कबूतर बीमार हो रहे हैं, तो आप इनका ट्रीटमेंट लगे इनको अपने जो लीवर टॉनिक वगैरह मौसम से बचा के रखें दोस्तों। मौसम बहुत ख़राब चीज़ है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ बारिश के मौसम में देखने को मिलती है। और दोस्तों बैड न्यूज़ के साथ गुड न्यूज़ भी मिली है आज अपन को। अपने जो सबसे पुराना कबूतर मोतिल, इसके बच्चे निकल गए हैं। ये देखो दोस्तों कैसे कर रहा है, काटता नहीं है ये। ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइस चेक करो यार, मोतिल के बच्चे निकल गए हैं। और अभी लक्के के भी देख लेते हैं। नहीं यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों इस लकवे वाले कबूतर के भी, यहाँ पर भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है पहले निकल गए थे। भाई साहब क्या मार रहा है ये मेल, ये देखो दोस्तों बच्चे निकल गए हैं। और तो आपके सामने है दोस्तों, अभी तक किसी ने अंडे बच्चे नहीं दिए। ये 4 ही पेड़ ने अभी ब्रीडिंग की हुई है और चीकू घूम रही है घास के लिए, तो घास भी लाएंगे अभी इसके लिए। तो गाइज यार जो अपना लखा नर है ना, अभी इसके अंडे हैं और बच्चे निकल के बड़े होने के बाद अपन इसका पेयर है ना, वो मसकली फीमेल के साथ लगाने वाले हैं, ताकि अपने पास भी काफ़ी सारे लखे हो जाए। लाइफ में मैंने इतने साल कबूतर पाले, मेरे पास कभी लखे कबूतर की ब्रीडिंग नहीं हुई, एक बार भी अंडे तक भी नहीं दिए उन्होंने। एक बार पहले लाया था, वो भी एक्सपायर हो गए थे, तो इसी वजह से मैं पेयर चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो उसका मेल है, ये एक कली छोटा है फीमेल से, ठीक है गाइस। अरे ये मुझे मेल कम और फीमेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये गुटकता बहुत कम है।